We are very much delighted to host now Padma Shri Tomio Mizukami Sensei. Mizukami Sensei started his journey with India long ago in the year 1965. His love for India and in particular Hindi language is highly appreciated. He was retired from Osaka University Department of Foreign Languages in the year 2007. At present, he is president of Kansai Japan India Cultural Society, Kobe. He has received numerous awards in his life, which includes Vishwa Hindi Samman at the 6th World Hindi Convention, which was held at London on 14th till 18th September 1998. Hindi Ratna from the Governor of UP. George Grierson Prize from the President Dr. Abdul Kalam. Prashasti Patra Hindi Academy, Delhi from the Chief Minister of Delhi. Bharat Bhasha Bhushan from the Governor of MP. Jai Javanti Samman Jai Javanti Dvitiya Varshikotsav. Friends of Liberation War Honor from the President Prime Minister of Bangladesh. By Miss Sheikh Hasina, and the most recent is the Padma Shri in the year 2018. So please welcome Dr. Tomio Mizukami. Thank you so much, sir, for joining us for Konnichiwa Pune 2021. Please take over from here. Namaskar. Pune ke konnichiwa, Pune ke mere dosto. मित्रों, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर गांधी जी के बारे में बोलने का मौका दे दिया। असल में गांधी जी के बारे में केवल आधे घंटे में बोलना असंभव है, फिर भी मैं गांधी जी का जापान के साथ संबंध के बारे में कुछ सीमित विषय में कुछ उल्लेख करना चाहता हूँ। ये सर्वविदित और निर्विवाद है कि महात्मा गांधी 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े व्यक्ति थे। विश्व को अपने विचारों से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली विराट हस्ती थे, महापुरुष थे। गांधी जी जापान में भी सबसे प्रसिद्ध भारतीय है। असल में आम जापानियों के लिए महात्मा गांधी की छवि ही भारतीयों की छवि है। सन 1982 में बनी फिल्म गांधी ने भी इस छवि को बनाने में सहायता की थी, जिसमें गांधी जी की भूमिका भारत मूल के अंग्रेजी अभिनेता बेन किंग्सले ने बखूबी निभाई थी। आजकल जापानी युवाओं में भारतीयों की छवि संभवतः द्रुत गति से विकसित होने वाली सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी देश से। अच्छा, इस साल गांधी जी की 121वीं वर्षगांठ है। गांधी जी के जन्म के एक साल पहले अर्थात सन 1868 में जापान में मेजी रजिस्ट्रेशन यानी पुनः स्थापना शुरू हुई थी। मेजी सरकार की स्थापना से आधुनिक जापान का सूत्रपात समझा जाता है। उसी साल 12वीं शताब्दी से चले आ रहे सामुराई शासकों का राज्य खत्म करके राजनीतिक सत्ता फिर से सम्राट को सौंप दी गई थी। इसलिए इसे रिवॉल्यूशन ना कहकर रिस्टोरेशन कहा जाता है, पर असल में ये क्रांति थी। कई सालों की उठल पुथल के दौरान अवश्य कुछ रक्तपात हुआ था, लेकिन उस तरह का भयंकर रक्तपात नहीं हुआ था जिस तरह रूस फ्रांस की क्रांति और अमेरिका के गृह युद्ध में हुआ था। अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण हुआ था,
2000 साले पहले से चले आ रहे इस तरह के शासन में किसी सम्राट या राजवंशों का कतर कभी नहीं हुआ था। मेजी सरकार का एजेंट था जापान का आधुनिकीकरण व इसे सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली देश बनाना, ताकि पश्चिमी ताकतवर साम्राज्यवादी देशों के आक्रमण को रोका जा सके या उसका सामना किया जा सके। जापान दूसरा भारत बनना नहीं चाहता था। इस नवोदित छोटे देश ने बहुत कम समय में इस महान उद्देश्य को पूरा कर लिया था। पहले चीन साम्राज्य को युद्ध में हरा कर कोरिया और फॉर्मूसा को हथियाया, फिर रूस पर कठिन संघर्ष से विजय प्राप्त की और फिर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को भी हराया। जब पश्चिमी एशिया के छोटे देश जापान ने यूरोप के शक्तिशाली देश रूस को हराया था, तो इस अभूतपूर्व घटना ने सारे विश्व को अचंभित कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं अपनी पुस्तक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि जापान की विजय ने बालक जवाहरलाल को एशियाई के रूप में कितना साहस और उत्साह दिया था। यद्यपि उसी पुस्तक के दूसरे पन्ने में वे जापान के साम्राज्यवाद का खंडन करना नहीं भूले। इस तरह उन दिनों जापान दुनिया में 5 महाशक्तिशाली देशों में गिना जाता था। लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं था। जापान अपने साम्राज्य लाभ की खोज में जमीन और तेल को हड़पने हेतु चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर आक्रमण करने लगा और सन 1941 में एशिया और प्रशांत महासागर युद्ध भड़क उठा। अकेले जापान को इंग्लैंड के अलावा अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस आदि प्राय सभी प्रमुख देशों से लड़ना पड़ा। हालांकि भारत के राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं का अंग्रेजों से विरोध था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जापान के पक्ष में थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू आदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता अहिंसा में विश्वास करते थे, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे नेता थे जो जापान की सैनिक शक्ति की सहायता से अर्थात बल का प्रयोग करके अंग्रेजों को भारत से भगाने के पक्ष में थे। अब एक फिल्म के 2 अलग दृश्य देखें जो युद्ध काल की असली तस्वीरें है। आप थोड़ा शेयर कीजिए। पहले में नेताजी का जापानी संसद में दिया गया उनका भाषण है और दूसरे में महात्मा गांधी का जापानियों के प्रति संदेश है। उद्घोष का जापानी में व्याख्या दे रहे हैं पर मैं उन्हें हिंदी में अनुवाद करके समझाऊंगा। सन 1945 में जापान सरकार ने एशिया के 5 देशों को आमंत्रण करके टोक्यो में ग्रेटर ईस्ट एशियन कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। उन्होंने संसद में इस तरह का भाषण दिया था, जापान ही 19वीं शताब्दी में एशिया में धावा बोलने वाले एशियाई देशों के आक्रमण को रोकने की कोशिश कर रहा पहला एशियाई शक्तिशाली देश है। एशिया के पुनर्उद्धार के लिए
अब भी जापान का जोरदार सहयोग चाहिए। हालांकि ये सच है कि चीन के खिलाफ जापान का युद्ध छिड़ने के कारण भारतीयों के मन में जापानियों के प्रति कुछ खराब भावनाएं आ गईं। लेकिन महापूर्वी एशियाई युद्ध शुरू होने से हालात आमूल बदल गई है, क्योंकि वर्तमान में जापान भारत के दुश्मन इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा है। भारत की जनता बड़ी लगन से अंग्रेजों के शासन से मुक्ति पाना चाहती है, अर्थात भारत की स्वतंत्रता की मदद करने वाले सभी लोग भारत के दोस्त हैं। गांधी जी का भाषण देखिए, सुनिए, मुझे आप जापानी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। आप जापानी लोग एशियाई लोगों के लिए एशिया स्थापित करने की बुलंद आशा रखते थे, लेकिन अब तो ये साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा के अलावा कुछ भी नहीं है, और हो सकता है कि उसी महत्वाकांक्षा को पूरा ना कर सके और खुद एशिया का विघटन करने वाले ना बन जाएं। दुनिया की महाशक्तियों की बराबरी करना आप जापानियों की महत्वाकांक्षा थी, लेकिन चीन पर आक्रमण करके जर्मनी व इटली के साथ गठबंधन करने से तो ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती थी। और ऐसा भी मैंने सुना है कि आप लोग किसी की शिकायत को नहीं सुनते, केवल खड़ग को सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि ये सब बहुत बड़ी गलत फहमी हो। ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। गांधी जी की भविष्यवाणी सही निकली। गांधी जी की चेतावनी को यदि हम लोग सविनय सुन देते तो शायद हिरोशिमा की त्रासदी न होती। लेकिन एक बात पर ध्यान दें, नेताजी और गांधी जी में स्वतंत्रता हासिल करने के उपाय को लेकर मतभेद था, पर दोनों में स्नेह व सम्मान की भावना में कोई अंतर नहीं आया। श्याम बेनेगल निर्देशित हिंदी फिल्म बोस फॉरगॉटन हीरो का प्रथम दृश्य गांधी जी और नेताजी के मतभेद के कारण अलग होने के दृश्य से शुरू होता है। अहिंसा से के बिल्कुल उलट हिंसावादी नेताजी इसके बावजूद जनता में लोकप्रिय थे, अलोकप्रिय है, बड़े ही अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोही ठहराया था, पर भारतीय जनता उनका समर्थन करती थी। विचारों में जमीन आसमान का सा फर्क होने के बावजूद दोनों नेताओं में समान बड़े गुण थे। वो ये है, एक तो देश प्रेम और दूसरा साहस। एक ही व्यक्ति का गांधी जी और नेताजी को समान रूप से पूज्य व सम्मानीय मानने की मानसिकता में कोई अंतर विरोध नहीं है। मैं इसमें राजनीति में आना नहीं चाहता, लेकिन इस संबंध में आजकल कंगना रनौत जी अभिनेत्री है, उन्होंने ये कहा कि नेताजी के समर्थन और महात्मा जी के समर्थन दो समर्थक नहीं हो सकते, ये अंतर विरोधी है, उन्होंने ये कहा था, लेकिन मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। नेताजी के निधन के बाद लाल किले में आजाद हिंद फौज के अफसरों पर देशद्रोह का इल्जाम लगाकर अंग्रेज सरकार ने उन लोगों पर मुकदमा चलाया था, तो देश भर में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की लहरें उठी। महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने भी उन लोगों का समर्थन किया था, इसी से भारत छोड़ो आंदोलन ने जोर पकड़ा था। ये तथ्य भी कुछ इतिहासकारों ने
खोज करके निकाला था कि सन 1942 में से सन 1942 और 45 के बीच के कुछ समय के लिए आजाद हिंद फौज और जापानी सेना अंग्रेजों के खिलाफ बहुत हावी हुई थी। अंग्रेज बहुत डर गए थे, जनता भी बहुत उत्तेजित हुई थी और जापानी सेना व आजाद हिंद फौज से गठबंधन करने के जोरदार सुझाव भी आ रहे थे। थोड़े समय के लिए गांधी जी का भी अपने सिद्धांत से विचलन हो रहा था। गनीमत थी कि विचलन नहीं हुआ। गांधी जी बहुत बड़े और पूजनीय नेता थे, लेकिन भगवान नहीं है। राजनीतिज्ञ होने के नाते जनादेश का ख्याल भी करना पड़ा होगा। अंत में कहा, महात्मा गांधी जी के जापान के साथ संबंध में सबसे उल्लेखनीय बात 3 बंदरों की लकड़ी की मूर्ति से है जो सांजर कहलाते हैं। फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ, ये सभी जापानी इस मूर्ति से परिचित है। बंदर को जापानी में सर कहते हैं। उसके आगे संख्यावाचक शब्द सन यानी 3 को लगाने से संधि के नियम के अनुसार सा का जा में परिणत हो जाता है, यानी अघोष का सघोषीकरण हो जाता है। 3 मूर्तियों में एक बंदर ने अपने दोनों हाथों से दोनों आंखों को बंद कर रखा है। दूसरे बंदर ने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद कर रखा है और तीसरे बंदर ने अपने मुंह को अपने हाथों से बंद कर रखा है। इसका संकेत यह है, मैं बुरी बातें नहीं सुनूंगा, नहीं देखूंगा और नहीं बोलूंगा। ये टोक्यो की उत्तर दिशा में लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर स्थित निक्को में स्थित तोशोगु नामक मंदिर के दरवाजे के ऊपरी हिस्से में रखी गई है, जहां बंदर के अलावा भी कई जानवरों की मूर्तियां रखी हुई है। कहते हैं कि ये सब शांति के प्रतीक है। ये 3 बंदरों की मूर्ति कब कहां से आई ये सब अज्ञात है। अनुमान लगाया जाता है कि ये चीन कोरिया होते हुए बौद्ध धर्म के आगमन के साथ जापान आई थी। ये भी अब तक ज्ञात नहीं है कि किसने ये मूर्ति गांधी जी को भेंट की थी और गांधी जी इसे संभाल कर रखते थे। हो सकता है कि इसकी उत्पत्ति भारत से हो। इस मूर्ति का निहितार्थ गहरा दार्शनिक उपदेश हो सकता है, ऊंची नैतिकता का प्रतीक हो सकता है। बंदर तो हनुमान जी की भी याद दिलाता है। जो भी हो, महात्मा गांधी जी इसे जापानियों का उपहार मानकर संभर कर रखते थे। अब नरेंद्र मोदी जी भी भारत जापान की मित्रता के उदाहरण के लिए 3 बंदरों की इस मूर्ति का जिक्र बहुत करते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि 3 बंदरों की ये मूर्ति जापान व भारत की दोस्ती का प्रतीक बन गए है। सो भारत माता की जय, जय जापान। धन्यवाद। Dr. Tomio Mizukami, thank you very much. It was indeed very insightful to know about Gandhiji and the entire political approach it involved in that era. And it's really wonderful to know about the history. And it's really very interesting, very important also to be known by our generation or the coming generation. Thank you very much for joining us for Konnichiwa Pune 2021. See you soon. Namaste.